अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो यार जी, पिछले दो तीन दिन से ना गेम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है एमुलेटर के ऊपर। पबजी मोबाइल बहुत लैग कर रही है यार जी, यहाँ तक के जहाज़ में भी एफपीएस जो है वो ठीक ही नहीं आ रहे, बहुत लैगी सी हो रही है। तो छोटा सा एक फिक्स मुझे मिला है, मैं पहले पता तुम्हें कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग कराने वाला, मैं कोई ऐसी कोई फाइल डाउनलोडिंग कराने वाला, ठीक हो गया, जिससे कि आपको किसी को रिस्क वगैरह हो, कुछ भी बिल्कुल सेफ है। थोड़ा सा बस टेम्परेचर वगैरह ज़रूर पड़ेगा आपके कंप्यूटर का, बहुत कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी सी यूज भी पड़ेगी और इससे आपका लैग जरूर फिक्स होगा और कुछ नहीं होगा। मैं कोई ऐसे रजिस्ट्री के अंदर से जाकर कोई कमांड्स वगैरह टाइप नहीं कराऊंगा ज़बरदस्ती और ऐसा वैसे कुछ नहीं कराने वाला। सिंपल से बस कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं कराऊंगा, वो ये है कि आपने यहाँ पर आकर टाइप करना है जी ग्राफिक सेटिंग के सामने आ गया, ठीक है, ये ओपन हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आके यहाँ पर आके आपने ब्राउज पर क्लिक करना है, ब्राउज पर क्लिक करके जहाँ पर आपका एमुलेटर है वहाँ पर जाना है। लाइक मेरा सी के अंदर है, सी में प्रोग्राम फाइल में जाओ, अगर आपने सी में इंस्टॉल किया हुआ तो यहाँ पर आके आ जाएगा टी एक्स गेम असिस्टेंट, इसमें जाना यूआई में जाना, ठीक है। अब ये जो चार एमुलेटर है इन चारों को आपने ऐड कर लेना, पहले इस तरह ऐड कर लो यहाँ पर क्लिक करके, इन चारों को आपने ऐसे ऐड कर लेना, मैंने पहले से किया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ऑप्शन में जाकर ना ये पहले लेट विंडो डिसाइड कर दो, यहाँ से उसको हाई परफॉर्मेंस पर कर देना चारों को, ठीक हो गया। इन चारों को ऐसा आपने हाई परफॉर्मेंस पर करना, सिंपल बस, और कुछ नहीं करना। और भाई यही सेटिंग है सिर्फ दी थी, बाकी मैं आपको अपने एमुलेटर के दिखा देता हूँ, अगर आपको ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, मुझे अच्छी लगती सेटिंग, मैं इन्हीं पे खेलता हूँ बस, ये डायरेक्टिक्स पे मैं खेलता हूँ। और ये जो सेटिंग है ना यार जी, ये टिक तब करना जब आपके पास कार्ड हो, ठीक है, जब कार्ड नहीं है तो इसको बिल्कुल भी टिक मत करना, ठीक हो गया। और बाकी मॉडल मेरा रॉक 2 ही है, गेम में 2K पे खेलना शुरू कर दिया मैंने, इसके पास स्मूथ है, ये कभी 60-90 और कभी डिफॉल्ट खुद ही हो तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा होता, कभी ये खुद ही कभी 90 है तो कभी 60 है, तो इसके पास 60 या 90 जो मर्जी कर लो। और बस ये थे सेटिंग चार बेसिक सी, और कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ है इसके अंदर। बस ये है कि भाई यहाँ पर आप आते हो ना जब गेम ऑफ, यहाँ से आप इस तरह गेम ऑन हो रही है, आप यहाँ से इसको बैक करके बंद करो और ओके ओपन हो गया, नाइस। अच्छा, यहाँ से आपने इसको बैक पे क्लिक करके बंद करना है, FN ऐसे होगा, आपने FN प्रेस करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ से अपने एसेसिबिलिटी में जाकर ना टच एंड होल्ड डिले को कुछ शॉर्ट कर देना, थोड़ा सा ना आपको ना खेलने में मज़ा आएगा, थोड़ा सा डिले वगैरह जो आपका कीबोर्ड और उसके अंदर होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपने फिर अबाउट टैबलेट में जाकर फील्ड नंबर पर बार बार टैप करना है, मुझे कह रहा है कि मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ, बट आप नहीं होगा, अगर आप नहीं किया होगा तो कुछ डेवलपर ऑप्शन ओपन करके यहाँ से अपने डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको जाना है और यहाँ से आके आपने जो है सिंपल सा काम करना है, वो ये है कि इस ऑप्शन को ऑन करना, फोर्स यूज ऑफ GPU फॉर 2D ड्राइंग, ठीक है, फोर्स GPU रेंडरिंग, इसको आपने ऑन कर लेना। और एक और चीज़ है यार जी, अगर आप शॉर्ट एप्स ऑन करके खेल रहे हो, शॉर्ट एप्स ऑन करके ना एक फ़ायदा होता है, इससे भी लैग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस लैग को, कुछ लोगों का लैग बढ़ता है तो कुछ लोगों का लैग कम हो जाता है। अगर आप ये ऑन करोगे ना तो करके बस देख लो, आपको मज़ा शायद आ जाए, इससे 120 FPS वाला भी हो जाता सीन। और ऑन करो लेकिन आपको ना इरिटेट करेंगे जो टैब्स होते हैं के ऊपर ना, उसका भी एक हल ये है कि आप उसको ऑन करने के बाद ये स्मॉलेस्ट विड्थ को इसको बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक 700-800 कर दो, उससे ये होगा कि आप टैब्स में थोड़े छोटे हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा इरिटेट तंग नहीं करेंगे। बस इतनी ही सेटिंग्स यार जी, इसके बाद आपकी गेम जो है बिल्कुल ठीक चलेगी। और एंड में छोटी सी बात यह है कि यार जी, आपने जो काम करना है वो ये कि इस सेटिंग करने के बाद आपने ज़रूर आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका लैग फिक्स हुआ है, नहीं हुआ, कोई और इशू आ रहा है तो ज़रूर आपने आके नीचे बताना है। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली किसी वीडियो लाइव स्ट्रीम में, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।